का जो घटना है ये धर्म और जाति के नाम पे हिंसा फैलाने के क्रम में ही ये घटना है। उनको जिन्होंने मारा उनसे उनकी कोई लड़ाई नहीं थी, लेकिन गोरक्षक के रूप में या और दलों के रूप में ये लोग जो हिंसा फैलाते हैं उसी इल्जाम के तहत उन्हें जिंदा जला दिया गया और उनकी मृत्यु हुई। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि उनके परिवार जो आज यतीम हो गए, जो धर्म और जाति के नाम के हिंसा के रूप में जो परिवार के बच्चों पे बाप का साया उठ गया, उनको सरकार देखे। लेकिन 15 दिन बाद आज सरकार वहाँ पहुँच रही है, हम इस बात का स्वागत करते हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से हमें पूरी उम्मीद है कि उन्हें राहत भी मिलेगी और जो आरोपी हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो। अभी 14 दिन से एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है पहले दिन के अलावा, उन पर भी पुलिस सख्त से कार्रवाई करे और एग्जाम्पल सेट करे कि अपराधी कोई भी हो, किसी जाति का हो और किसी धर्म का हो, उसको देख कर नहीं कार्रवाई होगी, निष्पक्ष रूप से कार्रवाई होगी। क्या लगता है ओवैसी के आने के बाद अब मामला उठा रहे हैं आप, इतने दिन तक कुछ नहीं बोल रहे? हम तो पहले दिन गए थे, पहले दिन जिस दिन मैं यहाँ ओवैसी से पहले मैं गया था यहीं पे मैं अब ये बात उठा के गया था, ऐसा नहीं है कि मामला नहीं उठा। लेकिन फिर भी चाहे देर हुई पर सरकार ने अपनी संवेदनशीलता दिखाई है और ओवैसी से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है वो हमारे नागरिक हैं, हम सरकार हैं, हमारी जिम्मेदारी है। हमारे इलाके में आके कोई अपहरण करेगा, मार पीटेगा, ले जाके जला देगा तो हम कहाँ रहेंगे? हमारी जिम्मेदारी अपने नागरिकों की सुरक्षा करना और अगर कोई घटना हुई है तो उनको राहत देना। जब उदयपुर कांड हुआ तो पूरी सरकार वहाँ खड़ी नजर आई, जब एक मुसलमान ने हिंदू को मारा तो पूरी सरकार पूरा देश वहाँ खड़ा हुआ नजर आया। लेकिन अगर हिंदुओं ने मुसलमान को मार दिया तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम वहाँ खड़े हों और उनके साथ खड़े नजर आएँ? उसी क्रम में आज मुख्यमंत्री वहां जा रहे हैं, जो पूर्ण रूप से उम्मीद है कि उनके परिवारों को राहत मिलेगी और जो आरोपी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होगी। तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा? जब उदयपुर कांड हुआ तो हम सब लोग वहां खड़े थे, सारी पार्टियां वहां खड़ी थी, लेकिन आज जब वहां उनको भी तो जाति के नाम पर मारा गया है, उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी उनसे, वो उनको जानते पहले पहचानते नहीं थे, लेकिन जाति और धर्म के नाम पर हिंसा फैलाने के लिए इसी कारण जो वो मौत की भेंट चढ़ गए। तो कहीं ना कहीं हमारे नागरिकों की जिम्मेदारी हम सबकी बनती है, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है और मैं स्वागत करता हूँ मुख्यमंत्री जी का जिन्होंने इस मुद्दे की गंभीरता को समझा। सदन में बहुत सारे साथियों ने आवाज उठाई और आज वहाँ वो जा रहे हैं, मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि उनके परिवार को राहत मिलेगी। देखिए कहीं ना कहीं जो पार्टी सत्ता में बैठी है उन्होंने धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करके इस देश को और धर्मों को भी बदनाम करने की कोशिश की है। कोई धर्म नहीं कहता कि हिंसा करी जाए, कोई धर्म ये नहीं कहता कि दूसरे धर्म वालों को पालना करने का अधिकार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता के लालच में लोग जो है एक दूसरे को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने देखा इवन इस घाटवे कांड के अंदर भी बड़े बड़े लोग जो है उनके समर्थन में बयान दे रहे हैं, मदन दिलावर जी हाउस में उनका समर्थन कर रहे हैं। आप एक अपराधी का समर्थन कैसे कर सकते हो जिन्होंने दो आदमी को जिंदा जला दिया? तो कहीं ना कहीं राजनीति लाभ लेने के लिए हम इंसानियत को मारने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस देश के लिए, इस राज्य के लिए सबसे बड़ा परेशानी का सबब है। और आने वाले वक्त में अगर ऐसा हुआ तो हमारा भाईचारा भी टूटेगा और देश की अखंडता टूटेगी। देखिए जब मेव हो चाहे और जाति के मुसलमान हो चाहे छोटी मोटी और भी लोग हो, हिंदुस्तान में जब इस्लाम आया तो उससे पहले लोग किसी ना किसी धर्म को मानने वाले तो थे, तो ये तो सच्चाई है, इसमें तो इसे कोई नकार नहीं सकता, ना कोई नकारता है। तो हमारे रूट्स एक है, हमारी भावनाएं एक हैं, आज हम किसी भी धर्म को मानते हैं, सब धर्म प्यार मोहब्बत अच्छाई एक अच्छा इंसान बनना सिखाते हैं। हम राम राज्य की बात करने वाले क्यों नहीं कहते कि राम जैसा भाई बने वो लोग, वो क्यों सबको साथ लेके चलने की बात नहीं करते, वो क्यों एक धर्म को एलिमिनेट करने की बात करते हैं, वो किसी को पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्यों भेजते हैं? ये हमारा पुरखों का देश है, हम यहाँ पैदा हुए, हम इस देश निकालने वाले वो कौन होते हैं? तो निश्चित तौर पर उनको समझनी पड़ेगी कि भाई पूरा देश एक है, यहाँ के पूरे रहने वाले लोग एक हैं, हम सबको मिलजुल कर ही देश आगे बढ़ा है आज तक इतनी विभिन्नताओं के बाद भी, और आगे भी इस देश को तरक्की मिलेगी तो प्यार मोहब्बत से मिलेगी। आज पूरे दुनिया के अंदर जो है कि हमारी घटनाओं की चर्चा हो रही है, चाहे वो कश्मीर में हो चाहे कहीं पर भी हो। तो देखिए जब तक ये सरकारें इस तरह का प्रोपेगेंडा फैला के लोगों की भावनाओं को या लोगों की जो मूल सुविधाएं हैं उनसे ध्यान भटकाती रहेंगी तब तक हमारा देश का विकास होने वाला नहीं है। आज देश के अंदर जरूरत है महंगाई की बात हो, रोजगार की बात हो, भाईचारे की बात हो, लेकिन कहीं ना कहीं जीडीपी ग्रोथ थर्ड क्वार्टर में कितनी बुरी तरह गिरी है पूरे देश के अंदर हम सब लोग समझते हैं, लेकिन कल गैस के दाम बढ़ाए गए। तो इन मुद्दों से भटकाने के लिए सरकारें जो हैं इस तरह की भावनाएं पैदा करके जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, पर देश धीरे धीरे जाग रहा है और आने वाले वक्त में जब निर्णय लेने का वक्त आएगा तो लोग अच्छे निर्णय लेंगे। धन्यवाद।